2047 तक भारत बनेगा विकसित देश, पीएम मोदी ने कहा सरकार बुनियादी ढांचे के विकास को अर्थव्यवस्था के लिए प्रेरक शक्ति मानती है। अहमदाबाद में अंबाजी मंदिर के प्रसाद के मुद्दे पर कांग्रेस नेता हेमांग रावल की प्रतिक्रिया, कहा कि अंबाजी मंदिर लाखों श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र है। अंबाजी में मोहन थाल बंद होने से श्रद्धालुओं में रोष, कांग्रेस नेता ने दी धरने और विरोध प्रदर्शन की चेतावनी। गुजरात में मौसम विभाग ने अगले 4 दिनों तक प्रदेश में बेमौसम बारिश की संभावना, 48 घंटे बाद सक्रिय होगा बारिश का सिस्टम। गुजरात ने पिछले साल अडानी से खरीदी 8,160 रुपए की बिजली, आम आदमी पार्टी के सवाल से खुलासा। गुजरात की कंपनी पर ईडी की छापेमारी, 3 गिरफ्तार, 10 करोड़ के हीरे और सोना बरामद। अहमदाबाद में भारत ऑस्ट्रेलिया मैच के दौरान मेट्रो ट्रेन और बीआरटीएस बसों की संख्या में इजाफा को देखते हुए बीआरटीएस और बसों और मेट्रो की फ्रीक्वेंसी 9 तारीख को सुबह 7 बजे से रात 10 बजे तक और शाम 4 से 7 बजे तक दोगुनी कर दी जाएगी। 8 मार्च को गुजरात आएंगे ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बानीज, 9 मार्च को नरेंद्र मोदी स्टेडियम में पीएम मोदी के साथ देखेंगे मैच। वडोदरा के नए मेयर को लेकर हलचल तेज, 10 मार्च को नाम का ऐलान का संभव, 5 में से 7 पार्षदों के नाम चर्चा में। 3 दिन निरस्त रहेगी गुजरात से आने वाली 40 ट्रेनें, 60,000 से ज्यादा यात्रियों के टिकट हुए रद्द। आंध्र प्रदेश में अंबानी और अडानी मिलकर करेंगे बिजली का प्रोडक्शन, 25 GW बिजली बनाने का प्लान। कोटा से अहमदाबाद नई ट्रेन को ओम बिरला ने दिया ग्रीन सिग्नल, नई रेल सेवा से इन शहरों को होगा फायदा। उदयपुर इंदौर एक्सप्रेस अब असारवा तक चलेगी, 19 घंटे में उदयपुर से अहमदाबाद जाकर वापस उदयपुर आ सकेंगे यात्री। नवरंगपुरा में तत्कालीन आईपीएस अधिकारी की नाबालिग बेटी से मारपीट करने और जान से मारने की धमकी देने के मामले में आरोपी गिरफ्तार। अहमदाबाद के बाहर रिक्शे में आ रहे यात्रियों की लूटपाट करने वाले गिरोह के 2 आरोपी गिरफ्तार, 3.73 लाख रुपए की नकदी जब्त। पंचमहल में किसानों को जंगली जानवरों के डर से रात में करना पड़ रहा है काम, बिजली न होने से बेहाल है किसान। राजकोट में मनी ट्रांसफर कारोबारी ने सूरत के एक कारोबारी से 10 लाख रुपए की ठगी की, व्यवसायी के खिलाफ शिकायत दर्ज। भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया के बीच 4था और अंतिम टेस्ट 9 मार्च से अहमदाबाद में खेला जाएगा, कैसी होगी अहमदाबाद की पिच, नहीं करेंगे इंदौर वाली गलती। अहमदाबाद में सोने के दामों में बढ़ोतरी, सोना 56,600 रुपए तोला तो वहीं चांदी 66,900 रुपए किलो। गोंडोला में मां बेटी पर सांड के चढ़ने से मां कोमा में, पूरे गुजरात में आवारा पशुओं का अत्याचार दिन ब दिन बढ़ता जा रहा।